हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स का है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो उसके लिए सारे चैप्टर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही वजह है कि इस यूनिट की भी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये तो बात मैंने बताई इम्पॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है आजकल हर एक सेक्टर में यूज़ हो रहा है। यू नो वेरी वेल कि माइक्रोवेव्स देखिए कहाँ कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यहाँ पर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करना है, वहाँ पर हम माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। रडार के अंदर हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह हम अलग अलग तरीके की वेव्स का यूज़ करते हैं, और इसी चैप्टर के अंदर हम इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए, मैक्सवेल इक्वेशन, इससे पहले मैं यहाँ पर इसके बारे में बताऊँ तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। देखिए, डिटेल में जब मैं चलने की बात करता हूँ तो आपको समझना पड़ेगा कि एम्पियर सर्किट लॉ को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि अगर, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्पियर सर्किट लॉ की, क्योंकि जब तक आपको डिटेल नहीं पता चलेगी तब तक मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के, लेट्स से करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई है, लेट्स से एक्स वाई इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसके अंदर से आई करंट फ्लो करता है, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। ठीक है, नाउ दिस लूप इज नोन एज एम्पीरियन लूप। तो सीधी सी भाषा में यह है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसको हम इस रिलेशन से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है, ये सारा कॉन्सेप्ट आता है, शुरुआत हुई थी ये ओरस्टेड से। ठीक है, ओरस्टेड ने क्या कहा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें ओरस्टेड ने यह कहा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, उसमें आपने एक आयरन फिलिंग का भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी देखा था, और उस आयरन फिलिंग में यही चीज़ ओरस्टेड ने बताई कि अगर किसी भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट को पास करेंगे तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ऐसा ओरस्टेड ने बोला। ठीक है, किसने बोला, ओरस्टेड ने। तो ओरस्टेड ने क्या बोला, अगर हम ओरस्टेड के स्टेटमेंट की बात करें, छोटा छोटा सा लिख लेते हैं, तो ओरस्टेड ने बोला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, अपने अराउंड क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इसको लिख लेते हैं। तो ये ओरस्टेड ने बोला। इसके बाद ओरस्टेड की बात को आगे और कंटिन्यू करते हुए, ओरस्टेड की बात को अगर हम और आगे लेके चलते हैं, तो इसके बाद हमारे फैराडे ने बोला, ठीक है, मिस्टर फैराडे ने बोला कि ठीक है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर किसी भी जगह पर, देखिए फैराडे क्या कह रहा है, फैराडे ये कह रहा है, जब और इन्वेंशन आगे बढ़ी तो फैराडे ये कह रहा है कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा,
यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कहीं भी चेंज होगा तो वो क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो ईएमएफ बनाएगा। छोटी सी भाषा में कहे तो ईएमएफ बनाएगा। तो बड़ी सी अजीब सी बात लग रही है कि भाई ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फैराडे ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यहां से जो तीसरे हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं, विच इज मैक्सवेल। तो जब ये सारी की सारी थ्योरीज चल रही थी, तो उसके बाद मैक्सवेल ने जब इन सारी थ्योरीज का स्टडी करा, तो उसने ये पाया कि उसका ये कहना था कि क्या ये इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है। मैक्सवेल का ये कहना था कि क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करने से, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज करें, तो क्या मुझे उससे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। है ना गजब की बात। ठीक है, तो रिवर्स के ऊपर बात चल रही थी कि क्या ये चीज पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, इज क्या फैराडे का अगर हम रिवर्स कर दें, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरी स्टडी की गई है, किसके अंदर, मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो हमें अब ये बात तो समझ में आ चुकी है कि एक्चुअल में हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो मैक्सवेल के इक्वेशन से हमें इस बात को प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या रोल है, और उसको कैसे मॉडिफाई किया गया है, वो सारी चीज़ें मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो इतना आप नोट डाउन करके रखिए कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो जैसे कि अभी हम कर रहे हैं कि भाई मैक्सवेल इक्वेशन, तो मैक्सवेल इक्वेशन की जब बात आती है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एक मैक्सवेल ने क्या बोला, कि मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ कैपेसिटर, और आपने इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और मान लीजिए कि यहां पर एक आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ये करंट यहां पर फ्लो करेगा, तो करंट ऑब्वियस सी बात है यहां पर आएगा। ठीक है, इस कंडक्टर से पास होगा। अब ये वायर से इज अ कंडक्टर, तो यहां से जैसे ही करंट यहां से पास होगा, तो करंट यहां से पास होने के बाद प्लेट्स के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी ये आ जाती है कि मान लीजिए अगर मैं एम्पीरियल लूप लगाता हूं, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करता हूं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में यहां अगर अप्लाई करता हूं, लेट्स से इफ आई अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ हियर। ठीक है, एक लूप बना देते हैं विच इज एम्पीरियल लूप। तो मैं यहां पर अगर ये सर्कल बनाता हूं, लेट्स से दिस इज सी वन, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज सी वन, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एम्पीरियल लूप का अगर मैं रेडियस अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से स्मॉल आर, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस लूप के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, तो मैं इजीली ये निकाल सकता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट, तो अगर हम यहां देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास, दैट इज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास BDL, ठीक है, BDL cos थीटा। नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड DL। देखिए DL क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट, तो आप देखेंगे कि लेंथ, और अगर इसके अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे
तो थंब रूल अगर लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर कुछ इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नज़र आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। सो वी विल गेट 0, ठीक है, विच इज म्यू नॉट इंटू आई। ओके, सो फाइनली बी जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि पूरे लूप में कॉन्स्टेंट रहेगा। अंदर इंटीग्रल सिर्फ डी एल रह जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट इंटू आई। डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज सरकमफ्रेंस, ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन विच इज 2 पाई आर, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, विच इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, विच इज 2 I ओवर R, और इस फॉर्मूले को सभी लोग जानते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज करेंटली इन, बेसिकली इट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, इट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस। जो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है ये इस एम्पीरियन लूप के सर्कमफ्रेंस पर एक्ट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दिस कंडक्शन करंट। तो ये बात तो बात सही हो गई भाई कि ठीक है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेते हैं तो वो क्या बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहां पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर जाता हूं, देखिए अब मैं अगर इसी एम्पीरियन लूप को कुछ इस तरीके से बना दूं, एक कप जैसा शेप बना दूं मैं यहां पर, और इसको दूसरा सरफेस ले लेता हूं। अब आप देखिए सरफेस देखिएगा कैसे बनेगा। अब सरफेस जो मैं ले रहा हूं, क्योंकि अगेन इट शुड बी अ क्लोज सरफेस, तो ये सरफेस और ये वाला सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, इट्स अ क्लोज सरफेस, शेप कुछ भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि इस C2 सरफेस जो है वो इस कैपेसिटर के अंदर से जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे करंट इसके अंदर, कंडक्शन करंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चार्जेस इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे। कैपेसिटर है भाई, कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं, तो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस जो है वो स्टोर होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जैसे जैसे कंडक्शन करंट यानी कि यहां पर फ्लो करेगा तो चार्जेस जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे कैपेसिटर के अंदर, यहां पर कंडक्शन करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड, यानी इन द केस ऑफ फुल्ली चार्ज, जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त कंडक्शन करंट की वैल्यू जो है कैपेसिटर के अंदर जीरो हो जाएगी। यही वजह है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कहता हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इफ आई राइट, लेट्स से इफ आई राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन एम्पीरियन लूप C2, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, विच इज म्यू नॉट इनटू आई, और करंट की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। यही वजह है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी यहां पर कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्शन करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कैपेसिटर के बाहर रोल प्ले कर रहा है, इसके अंदर रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से इनकंसिस्टेंसी आ गई। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बाहर करंट है, अंदर करंट नहीं है, फिर इसके बाहर करंट है। और अगर अंदर यहां पर करंट नहीं है, ब्रेकेज है, तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, और अगर ये ओपन सर्किट है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट ही फ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओपन सर्किट के अंदर करंट तो फ्लो करता ही नहीं है, लेकिन करंट तो फ्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ ऐसी चीज है जो मिसिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो भाई करंट तो फ्लो कर रहा है, और हमारा जो एम्पियर सर्किटर लॉ अगर हम निकालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि भाई बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से, लेकिन अंदर जब हम जाते हैं तो करंट ही नहीं है वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है वो वहां पर क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। क्योंकि जब चार्ज, जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो कंडक्शन करंट की वैल्यू कैपेसिटर के अंदर जीरो हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैक्सवेल ने जब ऑब्जर्व करी तो उसको ये समझ में आया कि इसका मतलब देर इज सम मिसिंग टर्म, यानी कि एम्पियर सर्किटर लॉ को मॉडिफाई करने की जरूरत है।
ठीक है। तो अब मैक्सवेल ने इसके ऊपर सर्च रिसर्च करना शुरू करा और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके उसने बड़े सिंपल भाषा में समझानी शुरू करी कि बेसिकली हो क्या रहा है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में मैक्सवेल बोलना क्या चाह रहा था, वो समझाना क्या चाह रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को। तो मैक्सवेल इक्वेशन में अगर हम देखें तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन एक कैपेसिटर, ठीक है, इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक एसी सप्लाई से। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द करंट आई विच इज कंडक्शन करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन करंट, और यही करंट जो है वो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है अल्टीमेटली, विच इज आई। और लेट्स से वी हैव सप्लाइड अ वोल्टेज वी। तो हमने ये देखा कि जब हमने इसको करंट आई दिया तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो गया, तो कैपेसिटर के अंदर चार्जेस इंड्यूस होने शुरू हो गए कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फिर हमने एक एम्पीरियन लूप यहाँ पर बनाया था। ठीक है, एक एम्पीरियन लूप इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था और जिसको हमने नाम दिया था C1, और एक हमने और लूप ड्रॉ किया था जो कि जिसको नाम दिया हमने C2, और ये भी एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। और हमने ये देखा था कि कंडक्शन करंट कैपेसिटर के अंदर नहीं होता है, जो भी है वो सब कुछ बाहर है, यानी कैपेसिटर के बाहर कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रहा है, लेकिन इनसाइड द कैपेसिटर कंडक्शन करंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है, उसी इनकंसिस्टेंसी को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम बात करते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फर्दर आई कैन राइट दैट E इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं सिग्मा को हम लिख सकते हैं दैट इज Q ओवर A। ठीक है, और यहां पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहां आप लिख सकते हैं दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। ठीक है, तो मैं इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, स्मॉल क्यू ओवर ए। ठीक है, तो ये मेरे पास सिग्मा निकल कर आ गया। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो मैं अगर यहां से निकालता हूं देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लेट्स राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज वी कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल्स टू विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ ई। सो आई कैन राइट ई इन टू ए कॉस थीटा एंड थीटा विल बी अगेन 0 degree। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं फटाफट से। तो फ्लक्स phi E इज इक्वल टू E की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इन टू A, और cos 0 की वैल्यू 1, सो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज फ्लोइंग इन साइड द कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट इट। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी फाई ई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू
डी ओवर डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस दैट डी फाई ई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट बाहर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा डी क्यू ओवर दैट इज डी टी. ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं. तो फाइनली वी कैन राइट लाइक दिस दैट डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास डी फाई ई ओवर डी टी. एंड दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विल गिव यू अ करेंट, एंड दिस करेंट इज ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इसका मतलब ये करंट देगा, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी. तो अल्टीमेटली ये निकल कर आया हमारे पास. अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाला हूं, ये कोई आई कंडक्शन करंट नहीं है, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है, देखिए यहां पर कि आईडी यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट को शो कर रहा है. इसका मतलब यह करंट प्रोड्यूस हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि कैपेसिटर के अंदर ऐसा हो रहा है, तो वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा. और ये बात एम्पियर सर्किटल लॉ में नहीं बताई गई थी, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में जो करंट आई आता है भाई, फाई इज इक्वल्स टू बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू आई होता है, दैट आई इज कंडक्शन करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ भी यहां पर नहीं बताया गया था. यही वजह है कि इसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, और फिर मैक्सवेल ने अपनी मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ उसने बताया, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ कह लीजिए इसको, या फिर आप मैक्सवेल इक्वेशन कह लीजिए, जिसमें उसने ये कहा कि कोई भी करंट, यानी अगर आप किसी भी लूप के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, और करंट वहां से फ्लो कर रहा है, सच दैट कि एक कैपेसिटर का भी केस अगर हम ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा, ठीक है, विच इज म्यू नॉट, तो वो हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ब्रैकेट आई प्लस आई डी. ठीक है, यानी कि ये वाला करंट हो जाएगा हमारे पास कंडक्शन करंट, जो कि कैपेसिटर के बाहर फ्लो कर रहा है करंट, और ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि अंदर फ्लो कर रहा है, यानी कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर रहा है एक तरीके से. ठीक है, तो यहां पर आपका मैक्सवेल इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि पूरी डिटेलिंग मैंने आपको बताई है. देखिए, एक एक चीज मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल जो टो से शुरू करा है इसको मैंने, और आपको बिल्कुल एक टॉप कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है. ठीक है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेते हुए कि ओयस्टेड ने क्या बोला, फिर उसके बाद फैराडे जी आए, उन्होंने क्या बोला, फिर उसके बाद मैक्सवेल ने उसमें क्या कमियां देखी, फिर उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बताया, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों फेल हो गया, फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बताया, ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें कवर करी है. ठीक है, तो इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अगर कोई डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं,
हम सारे कमेंट के जितने भी आप कमेंट करते हैं वो सभी रीड करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि सबके जवाब हम दे पाए। ठीक है, चलिए तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको फटाफट से नोट डाउन करते चलिए। और मैं चाहूँगा कि इसकी जो डेफिनेशन है अगर हम उसको भी साथ के साथ लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है। वैसे तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, तो मैक्सवेल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन में आपको क्या बताया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में नॉलेज दी गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।